आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्थिर पाठक। छत्तीसगढ़ में गोबर पर लंबे समय से सियासत जारी है। गोधन न्याय योजना को लेकर बीजेपी लगातार भूपेश सरकार का विरोध कर रही है, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे बीजेपी के विरोध को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोधन न्याय योजना का समर्थन किया है, और सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर जाकर उनको अभिनंदन पत्र भी सौंपा है। संघ के इस कदम से बीजेपी खेमे में हर कोई हैरान है। हालांकि स्वाभाविक भी है, क्योंकि भूपेश सरकार की जिस योजना को लेकर अब तक भाजपाई मौखौल उड़ा रहे थे, अब उस पर संघ सरकार के साथ है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो सीएम भूपेश बघेल संघ को सबसे ज्यादा अपने निशाने पर रखते हैं, उसके बाद भी आरएसएस का ये स्टैंड एक अलग ही राजनीति को जन्म दे रहा है, और इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अपने चौथे कार्यकाल में सीएम शिवराज के सामने तमाम चुनौतियां हैं और इनसे पार पाकर उपचुनाव के लिए मैदान में दमदारी से उतरना बहुत आसान नहीं है। हालांकि इस तरह की स्थितियां निर्मित होना भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब की बार बीजेपी की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से बनी है। ऐसे में उनके समर्थकों को न सिर्फ साथ लेकर चलना है बल्कि इन्हें खास अहमियत देना भी पार्टी की मजबूरी है। टीम शिवराज में इस वक्त 11 सदस्य सिंधिया समर्थक हैं, जबकि 3 और पूर्व मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। लिहाजा शिवराज की नई सरकार में बीजेपी के कई दिग्गज दरकिनार हुए हैं। जो भी मंत्री नहीं बन पाए हैं उसमें ज्यादातर इस समय नाराज चल रहे हैं, जबकि कुछ खुद सामने नहीं आए तो उनके समर्थकों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए ये जताया कि मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार हुआ है उससे वो खुश नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी को अपनों का आघात भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये आगे चलकर कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां सरकार के साथ संघ। तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को लेकर आरएसएस द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किए जाने के बाद सूबे की गोबर सियासत में नया मोड़ आ गया है। विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस योजना को लेकर उसने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, अब उसे संघ की सराहना मिलने के बाद वह आखिर क्या करे। लिहाजा इस मामले पर भाजपाई कोई भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेसी गोधन न्याय योजना को संघ का समर्थन मिलने के बाद बीजेपी नेताओं को नसीहत देने लगे, लेकिन सवाल यह है कि अपनी बीजेपी को छोड़कर संघ सरकार का साथ क्यों दे रहा है। क्या संघ और प्रदेश भाजपा से खुश नहीं है, या फिर बात सिर्फ गौ माता की सेवा तक सीमित है। चलिए इस पर चर्चा शुरू करें, उस पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के साथ संघ, गोधन न्याय योजना की जमकर सराहना, आरएसएस ने सीएम भूपेश को सौंपा अभिनंदन पत्र। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के तेवर पड़ेंगे नरम। बीते मंगलवार को आरएसएस के संगठन गौ ग्राम स्वालंबन अभियान के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर सरकार की ओर से गोबर खरीदने के फैसले का स्वागत कर उनका आभार जताया। आरएसएस की ओर से इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक अभिनंदन पत्र भी सौंपा गया। इतना ही नहीं, संघ ने गौमूत्र को खरीदने के लिए भी सीएम भूपेश बघेल से निवेदन किया। गाय के गोबर गौमूत्र को सरकार खरीदे, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने हमारी बात को मानी है, इसलिए कल मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करने के लिए गए थे। बहुत अच्छी योजना है, इससे गांव गरीब किसान को रोजगार मिलेगा, गांव स्वावलंबी होगा। इसके साथ ही साथ गौमूत्र को भी खरीदने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। गोधन न्याय योजना का माखन उड़ाने और इसके जरिए सरकार को कोसने वाले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का आरएसएस के इस रुख के बाद अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे चंद्राकर ही क्या, छत्तीसगढ़ बीजेपी का कोई भी नेता इस मामले में खुलकर बयान देता नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मामले में सिर्फ इतना ही कहा है कि संघ के शुरू से प्राथमिकता गौ माता रही है, लिहाजा
संघ के इस रुख पर उनका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर कांग्रेस ही संघ द्वारा सीएम भूपेश बघेल के अभिनंदन पर बीजेपी नेताओं को आत्म अवलोकन की नसीहत दे रहे हैं। संघ के शुरू से प्राथमिकता गौ माता रही है, ये संघ की बात है और संघ के मामले में मैं उसमें कुछ टिप्पणी करूँ उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उन नेताओं को आत्म अवलोकन करना चाहिए जो गोधन न्याय योजना का मखौल उड़ाते थे। अपने पितृ संगठन से ऐसे लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। बहरहाल राज्य सरकार के जिस किसान हितेशी योजना की संघ तारीफ कर रहा है उसी योजना का लगातार बीजेपी विरोध कर रही है, लेकिन अब गौधन न्याय योजना पर सीएम भूपेश बघेल के संघ द्वारा अभिनंदन के बाद क्या विपक्ष की सोच बदलेगी? और बड़ा सवाल ये है कि संघ का जो साथ भूपेश सरकार को मिला है आने वाले समय में कांग्रेस से लेकर कितना पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर पाएगी देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सरकार के साथ संघ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता संघ चित्तानंद उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी भी हैं और भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। उपाध्याय जी, जिस मुद्दे को लेकर आप ये कहेंगे कि मैंने माखौल नहीं उड़ाया, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अजय चंद्राकर जी के बयान भी है हमारे पास जिस समय उन्होंने गोवर्धन न्याय योजना की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और आप लोगों की तरफ से जो बयान आए थे, अब आपकी मातृ संस्था ने ही भूपेश सरकार का न केवल समर्थन किया है, न केवल उनकी प्रशंसा की है बल्कि उनका अभिनंदन भी किया है। अब क्या आप भूपेश जी की जो योजना है उसका आप लोग भी अभिनंदन करेंगे? देखिए, संघ के सैकड़ों अनुसांगिक संगठन है जी और सब अपने अपने स्तरों पर काम करते हैं जी, और संघ की ये सोच है कि जिस काम, जिस मांग को लेकर जो जी उपासना जी सब जो मांगे थी उन्होंने जी 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 बोलिए बोलिए आप, उन्होंने जो बातें वो चाहते थे उन्होंने सरकार के समक्ष रखी थी जी, और उसमें से जो गोबर वाली योजना है उसको इस सरकार ने लागू किया है, तो स्वाभाविक रूप से जो गौ क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में लगे हुए गौ सेवक हैं जो संघ के अनुसंगिक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उनकी बात माने जाने पर और यदि मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया है, तो निश्चित रूप से ये उनकी महानता है, ये एक विशाल हृदय का परिचय दिया है जिस संघ को और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार हमेशा कुचलने में लगी रहती है, उनकी किसी भी अच्छाई को अच्छाई साबित नहीं करती है, बुरा कहती है। उस संघ ने उनके मंच पर जाकर यदि मुख्यमंत्री जी का और सम्मान किया है तो एक बहुत बड़ी नसीहत जो है कांग्रेस को दी है कि ये संघ वो संघ है जो आपके अच्छे कामों की भी तारीफ करता है, लेकिन आप उस संघ की अच्छे कामों की भी तारीफ नहीं करते हैं, ये संघ ने उनको नसीहत जरूर दी है। और इस बात कि वो संघ जिसको आप हमेशा और जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, संघ को जिस प्रकार से आप बदनाम करते हैं, संघ ने उनको भी नसीहत दी है, अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं जी, उपाध्याय जी, संघ ने उनको भी नसीहत दी है और संघ ने आपको भी यानी भाजपा इकाई को भी नसीहत दी है कि हर काम में आपका विरोध करना उचित नहीं है, संघ के जो काम अच्छे हैं उनकी सराहना भी करिए। संघ का काम नहीं, यदि मोदी जी के काम अच्छे हैं तो कांग्रेस को भी चाहिए कि उनकी अच्छाई की तारीफ करें। अभी मोदी जी की बात नहीं हो रही है, अभी छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। यदि रमन सिंह जी ने 15 साल में अच्छे काम किए, यदि रमन सिंह जी ने 15 साल में पीडीएस सिस्टम के अच्छे काम किए, बाकी अच्छे काम किए, तो एक बार भी तो तारीफ के शब्द जो है जी, तारीफ के शब्द होने चाहिए लगता है तकनीकी कारण। एक बात मैं कह दूं बघेल जी, स्वाभाविक रूप से संघ के जो अनुसांगिक संगठन है, देखा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी है और उसकी प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पार्टी है। यदि वो किसी प्रकार की गलतियां करेगी तो जनता के हितों के विपरीत काम करेगी। अरे निश्चित रूप से सच्चिदानंद जी, बात उसकी नहीं है,
बात इसकी है कि आप अनुसांगिक, आपकी मातृ संस्था है, आप अनुसांगिक संगठन हैं। ऐसी स्थिति में जिस मुद्दे को लेकर आप भूपेश सरकार को घेरते रहे हैं, उस मुद्दे पे उनका अगर अभिनंदन किया जाता है तो आप उसको वो कभी मोदी जी की तरफ ले जाते हैं कि मोदी जी की तरफ तारीफ करें, रमन सिंह की तारीफ करें? अरे आप तारीफ करेंगे इसलिए कि नहीं, अलग काम है वो काम अपना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम कर रही है और हम वो करेंगे। जो स्टैंड हमारा है उस पर हम अटल हैं और संघ के जिसे अनुसांगिक संगठन ने यदि अपना काम किया है तो उन्होंने अपना काम किया है, हम अपना काम निश्चित रूप से करेंगे। नहीं, आप काम करिए, हमको काम सौंपा है उसको हम करेंगे। संघ के विचारधारा से आप सहमत है ना? नहीं, संघ के एक अनुसांगिक संगठन का काम है, वो उस काम को उन्होंने किया है, एक अच्छा काम उन्होंने किया है कि उनकी बातों को यदि भूपेश बघेल जी की सरकार ने माना है तो उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है। जी नहीं, वो नहीं माना है, उनने जो गोबर वाला मुद्दा है उसको चंद्राकर जी से लेके जितने लोगों ने उठाया था उस मुद्दे की उन्होंने सराहना की है। अब आप भी सराहना करेंगे क्या? मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, जहां तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की बात है, हमारा लक्ष्य अलग है, हमारी सोच अलग है, हम अपने सोच से काम करेंगे। हम किसी और संगठन के कहे अनुसार, यहाँ तो जो संगठन है अनुसांगिक संगठन, आप देखते होंगे कि जब स्वदेशी जागरण मंच भी केंद्र की यदि योजना है तो उस मामले में स्वदेशी के खिलाफ जाते हैं तो डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। भारतीय मजदूर संघ है, यदि वो 15 वर्षों में यदि रमन सिंह जी की सरकार ने कोई कर्मचारी विरोधी काम किया तो मजदूर संघ उनके खिलाफ खड़ा हुआ, शिक्षक संघ उनके खिलाफ खड़ा हुआ। वो संगठन नहीं है अनुसांगिक संगठन नहीं है, संघ संघ के आप लोग अनुसांगिक संगठन है, वो आपकी मातृ संस्था है। संघ के आप समझ नहीं रहे, संघ हमारी मातृ संस्था है लेकिन उस मातृ संस्था के अनेक पुत्र हैं। हाँ। उस माता के अनेक पुत्र हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, वो अपने अपने काम को गति देते हैं। वो किसी यदि वो गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अपने हिसाब से काम करते हैं, उन पर किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनका अनुकरण करे ये जरूरी नहीं है। विद्यार्थी परिषद का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे जरूरी नहीं है। छात्र आंदोलन होते हैं यदि विद्यार्थी परिषद उपासनी जी, लेकिन माता जी जिनको आप माता कह रहे हैं, मातृ संस्था, माता जी तो सर्वोपरि है, उनने आदेश दे दिया है आपको, ये आदेश एक तरह से इंगित किया है। माता जी ने कोई आदेश नहीं दिया है, माता जी ने कोई आदेश नहीं दिया है। माता जी के जो पुत्र हैं अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, वो अपने हिसाब से यदि उनकी बात यदि सरकार ने मानी है तो धन्यवाद देने आए हैं, ये बहुत बड़ी महानता है उनकी। चलिए, उस महानता से इनको भी सीख लेनी चाहिए कि जो संगठन उनको माफी तारीफ करने आए, उनको अभिनंदन करने आए तो कभी संघ के बारे में भी, ये तो संघ के स्वयंसेवक है इसलिए आप जेल में भेज देते हो, संघ का स्वयंसेवक है इसलिए गांधी का हत्यारा कर देते हो, संघ का स्वयंसेवक है इसलिए उसकी सम्मान निधि बंद कर देते हो, तो ये बात थोड़ी चलेगी। चलिए, बाकी पुत्रों को भी उन्होंने कहा है कि आप उनका सहयोग करिए। सुरेंद्र जी, आप काफी मुस्कुराहट है आपकी चेहरे में, आज मुद्दा आपके साथ है इसलिए काफी मुस्कुराहट है आपके चेहरे में, लेकिन हम उसके पहले मनोज जी आपसे पूछेंगे पूरा वाक्य क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री से पहले टाइम लिया था या अचानक पहुंचे हैं, उसमें जो प्रांत प्रचारक है उनके भी हस्ताक्षर है जो बहुत अपने आप में अहम बात है। मनोज जी। बिल्कुल, ये कल शाम की घटना है, पहले से अपॉइंटमेंट अभी जिस तरह से सभी तरफ कोरोना का जो संकट चल रहा है इसके चलते अपॉइंटमेंट जरूरी, हर एक ऑफिस हो, चाहे मुख्यमंत्री निवास हो या किसी भी राजनेता के घर, कोई भी किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है और अपॉइंटमेंट लेके विधिवत प्रायर अपॉइंटमेंट लेके ही मिलने दिया जा रहा है। तो जो RSS की अनुसांगिक संगठन है गौग्राम सेवा अभियान, उसके लोग जो है मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लिए थे कि उनका अभिनंदन करना है, और जाहिर तौर पर जब इतना अच्छा कॉज हो तो उनको तुरंत जो है अपॉइंटमेंट भी मिल गया और उन्होंने CM का अभिनंदन किया और दो मांग रखी, एक तो वर्मी कंपोस्ट खाद की भी खरीदी करे सरकार और इसके अलावा गौमूत्र की खरीदी करे, तो ये दो मांगे शामिल थी। इसके अलावा गोबर खरीदने का जो सरकार का फैसला था उस पर उन्होंने एक अभिनंदन पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा और अभिनंदन पत्र जो बना है उसमें जो RSS के प्रांत प्रमुख, प्रांत प्रचारक हैं बिशरा राम यादव, उसके भी
हस्ताक्षर हैं, तो ये माना गया कि आरएसएस ने ही जो है इस पर अभिनंदन पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। तो उपासना जी कुछ संशोधन कर रहे हैं, उपासना जी बता दीजिए। प्रांत स्तर के नेता हैं जी। नहीं, प्रांत प्रचारक जी नहीं है, प्रांत प्रचारक नहीं है, वो प्रांत संघ चालक है जिनके हस्ताक्षर है। हाँ, वो प्रांत संघ चालक होंगे, वो बिश्रा राम जी के नाम आप ले रहे हैं, प्रांत प्रचारक नहीं है जी। जी 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 मनोज जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये इन तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और दो मांगे उन्होंने रखी कि गौमूत्र और वर्मी कंपोस्ट की भी खरीदी सरकार करे। सीएम ने उनको बताया कि वर्मी कंपोस्ट ऑलरेडी हम जो है जो गोबर खरीदने की योजना है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करना है, जिससे जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिले, और गौमूत्र का जो आपका सुझाव है उस पर सरकार विचार करेगी। इस तरह का आश्वासन उनको जो है दिया था मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद से ही ये मुद्दा जो है कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस के सभी नेताओं के इस पर रिएक्शन आने लगे और बीजेपी पर कल से ही सरकार और कांग्रेस जो है वो हमलावर है कि एक तरफ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार सरकार के गोधन न्याय योजना की आलोचना कर रहे हैं। खासतौर पर अजय चंद्राकर काफी मुखर है सरकार के खिलाफ, उन्होंने हाल ही में एक ऑडियो एक जो है वो अपने ट्विटर पर डाला था जिसमें लिखा था कि सरकार जो है बेरोजगारों को जो है शिक्षा नहीं देना चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती है और केवल गोबर बिनवाने का काम करना चाहती है। तो इस तरह से लगातार उनको उनका ट्वीट जो है पिछले चार पांच दिनों से केवल गोबर के मुद्दे पर, उन्होंने इससे पहले एक विवादित ट्वीट किया था जिसमें राजकीय चिन्ह बनाने की मांग की थी कि गोबर को जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह बना दिया है। तो इस तरह से जब से संघ ने अभिनंदन पत्र सौंपा है उसके बाद से बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहां तक कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, उनसे जब जानने की कोशिश की गई उन्होंने भी कह दिया कि मैं इस संबंध में टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत सारे प्रवक्ताओं से हमने बातचीत की, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन उपासना जी की दरिया दिल्ली को मानना चाहिए कि वो हमारे साथ बैठे हैं और बराबर वो टिप्पणी कर रहे हैं। मनोज जी, जो काम रमन सिंह जी, आपको क्या ध्यान है कभी रमन सिंह जी अपने मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन और पत्र सौंपा हो, अभिनंदन किया हो संघ ने पिछले 15 सालों में? मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी विषय पर ऐसा किया गया हो, या मुझे किया भी गया हो तो उसको उस तरह से शायद प्रचार न मिला हो, इसलिए मेरे नॉलेज में ये बात नहीं आ रही। बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता, मुझे तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी नहीं दिखा और छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा, लेकिन शर्मा जी की मुस्कान में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं ऐसा लग रहा है, और मैं जानना चाहूंगा शर्मा जी आपके उन रहस्यों में से एकाध बता दीजिए। आप इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज लेंगे आगे चलते? संघ ने बड़ी सदा सहायता के साथ आप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर दिया कि गाय का मुद्दा था, लेकिन आप इसका पॉलिटिकल माइलेज कितना लेंगे? देखिए, संयोग से कल मैं वहां था जी। जिस समय ये जो सब तमाम कार्यकर्ता लोग आए थे आरएसएस के जी, तो उस समय मैं वहां उपस्थित था जी, और वो उनके चेहरे पे जो संतोष दिखाई दे रहा था जी, और जिस तरह से वो प्रशंसा कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का और विशेष तौर पे इस योजना का जी, वो एक बड़ी बात समझ में आती है जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी गाय गंगा और गायत्री के नाम पर राजनीति किया करती है जी। अब आप स्मरण कीजिए, आप स्वयं ये बोल रहे हैं कि पिछले 15 सालों में आरएसएस ने कभी डॉक्टर रमन सिंह का अभिनंदन किया है और ऐसा कोई स्मरण नहीं होता। तो आज भी ये परिस्थितियां निर्मित हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जगह जगह गौशाला प्रचलन था, ऐसी परिस्थितियों में बेमे तरह के गौशाला में बिना चारा के बिना भूसा के सैकड़ों गायें मर गई, उसकी चमड़ी निकालने के लिए गाय को भूसे के अंदर डाल दिया गया, और ऐसी परिस्थिति को ये जो आरएसएस के गौ सेवक हैं, जो गौ सेवा का काम करने वाले लोग हैं, इनके अंतर मन को कितनी पीड़ा पहुंची होगी, इस बात को आप समझिए जी। आप अपने कार्यकर्ताओं का, आप अपने अनुसांगिक संगठन के विचारों का आप महत्व नहीं समझते, आप उनका छत्तीसगढ़ की परिस्थिति को नहीं समझते, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं समझते और छत्तीसगढ़ की जनभावना को नहीं समझते, तो निश्चित रूप से लोग तो हमारा अभिनंदन करेंगे ही।
छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो यहाँ कृषि को बल मिलेगा, यहाँ के तमाम जो गोधन है उनको बल मिलेगा, यहाँ की संस्कृति को बल मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल इस बात को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इनको सतर्क हो जाना चाहिए। इनको हमारी हमारी भावनाओं को अगर प्रशंसा नहीं करना चाहते तो अपने अंदर के जो अंतर द्वंद्व है उसको कम से कम पहचानने की कोशिश करें। मतलब आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस बात का कि अगली बार अगर ऐसा ही रहा तो संघ बिल्कुल कांग्रेस का फेवर करेगी, कांग्रेस के प्रचार करेगी, संघ के कार्यकर्ता, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्यों नहीं करेगी, जब संघ की विचारधारा स्वदेशी है, हमारी सरकार स्वदेशी की दिशा में आगे बढ़ रही है, हम स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम खुद मुख्तार होने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो उनका कार्यक्रम है और ये छत्तीसगढ़ का पूरा कार्यक्रम है। बाकी भी संघ के विचारों को आत्मसात करेंगे आप? जी नहीं, जो संघ की मानने लायक बात होगी, संघ की क्या, आप अगर कोई अच्छी बात कहेंगे तो उसको हम मानने को तैयार है, संघ कोई बात अच्छी बात कहे उसको मानने को तैयार है, वो भी कोई भी व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का भला चाहने वाला व्यक्ति कोई भी सुझाव देगा, अच्छी बात लगेगी उसको जरूर स्वीकार किया जाएगा। संघ में आपको भी ध्यान होगा शाखा लगती है और शाखा बिल्कुल आपके शरीर को स्वस्थ रखे, वहाँ बकायदे शारीरिक क्रियाएं होती हैं, दौड़ भाग होती है, खेल कूद होता है, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी, तो ऐसी स्थिति में ये अच्छी बात है मानेंगे, तो क्या संघ की शाखा आप ज्वाइन करेंगे? नहीं जी, हमारे तो कांग्रेस सेवा दल होता है, उसमें पीटी होता है, एक्सरसाइज होता है, हम लोग भी व्यायाम। अच्छा, आपने सवाल का उत्तर नहीं दिया, आप कितना पॉलिटिकल माइलेज लेंगे आगे चल के इसका? लगता है उससे संपर्क तक ही कांड हो पाए। शर्मा जी, आप भी बहुत नजदीक से संघ को जानते हैं, आपको भी कभी कुछ याद है? पटवा जी मुख्यमंत्री रहे, सकलेजा जी मुख्यमंत्री रहे, कैलाश जोशी जी रहे, शिवराज जी रहे, उमा जी रहे, इंगौल गौर साहब रहे, कभी संघ ने इनका भी अभिनंदन किया या छत्तीसगढ़ में रमन जी का अभिनंदन किया, कभी याद है क्या आपको? देखिए, मोटे तौर पर ये जो इस तरह अभिनंदन छत्तीसगढ़ में नहीं, कभी याद है क्या, कभी अभिनंदन किया क्या इस तरह का? वही मैं कह रहा हूँ जी, ऐसा अभिनंदन विधिवत जाकर के अभिनंदन कभी मुझे भी याद नहीं आ रहा कि संघ के पदाधिकारियों ने, खासतौर से जो प्रांत संघ चालक हैं, उस स्तर के जाकर के अभिनंदन किया हो, ये मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा। लेकिन समय समय पर सरकार में किसी भी मुख्यमंत्री को जी, बीजेपी की सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री, हाँ वही मैंने कहा कि वो मुझे स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन समय समय पर सरकारों ने अगर कुछ अच्छे काम किए हैं, वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या सर संघ चालक जी ने उसका स्वागत किया है, इसके दर्जनों उदाहरण है। मतभेद शुरू जो हुए थे आरंभ में, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस स्वदेशी पर काम करती थी, कांग्रेस राम राज्य पर काम करती थी, कांग्रेस के सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था, तो संघ के सारे स्वयंसेवक राजनीतिक आंदोलन अगर करते थे तो वो कांग्रेस के बैनर पर ही करते थे। जिन्होंने संघ का गठन किया है डॉक्टर हेडगेवार जी, वो कांग्रेस के बैनर पर 3 बार जेल गए हैं, उनको सजाएं हुई हैं, ये इतिहास है। 42 के आंदोलन में भी आप देखेंगे तो वर्धा में अगर गोली चली है, बंबई में गोली चली है, तो संघ के जिला प्रचारकों को गोली लगी है, ये रिकॉर्ड है। लेकिन संघ वाले, जहां तक मैंने अपनी पत्रकारिता में अध्ययन किया है, संघ वाले किसी से प्रमाण पत्र के लिए वो संघर्ष कभी नहीं करते, वो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और समाज के लिए काम करते हैं, उनका बलिदान होता है और वो चले जाते हैं। आप अगर देखेंगे 1971 में इंदिरा जी को दुर्गा जी अगर कहा था तो सरसंघ चालक जी ने सबसे पहले कहा था। तो कुल मिलाकर के, और अगर एक और बात देखेंगे, मैं समझता हूँ उपासना जी मेरी बात से सहमत होंगे और शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे, 1971 का लोकसभा चुनाव और 1972 के विधानसभा चुनाव में जो सीमा प्रांत के राज्य थे, और ऐसे सीमा प्रांत के राज्य जहां पर अलगाववादी शक्तियां ताकत में थी, वहां संघ के स्वयंसेवकों ने चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया है, ये रिकॉर्ड है इसका, और इसकी चर्चाएं बहुत सारी हैं। तो कुल मिलाकर के समय समय पर संघ ने अच्छे कामों का प्रदर्शन तो किया। जब अच्छा काम हो, संघ ने काम किया है, तो उसके अनुसांगिक संगठनों को भी करना चाहिए। देखिए, संघ, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, संघ के जितने अनुसांगिक संगठन हैं, सब आत्मनिर्भरता से काम करते हैं, संघ नीति और सिद्धांत उनको बताता है, संघ के अधिकारी उनके दैनंदिन कामों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भाजपा को चूंकि राजनीतिक लड़ाई लड़ना है, उनको कांग्रेस का किस मुद्दे पर विरोध करना है, किस पर नहीं करना है, ये वो जाने,
उनको लगा कि गाय का एक अच्छा मुद्दा है और उन्होंने उस बात का समर्थन किया। मैं समझता हूँ इसको संघ के बढ़प्पन के रूप में ही लेना चाहिए और सब उसको उसी ढंग से स्वीकार करके बढ़प्पन के रूप में लेना चाहिए। लेकिन यहाँ टिप्पणी आप चाह रहे हैं कि इससे जो अनुसंगी बीजेपी, ये आप कह नहीं सकते कि बीजेपी का संघ से कोई जुड़ाव नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक जो वहाँ घटनाक्रम हुआ है उस पे जानना चाहेंगे त्रिपाठी जी, जहाँ तक मैं अपनी बात को समझा नहीं पा रहा हूँ, अनेक ऐसे निर्णय होते हैं जिस पर संघ सहमत नहीं होता। मैं एक बड़े निर्णय को उदाहरण देता हूँ, मोदी जी ने जिस तरीके से FDI का फैसला किया तो उससे स्वदेशी का जो संघ का अभियान था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको ठीक नहीं लगा। खासतौर से डिफेंस के मामले में जब FDI के विदेशी निवेश का फैसला किया तो स्वदेशी जागरण मंच ने बाकायदा इसकी असहमति अपनी ज्यादा जाहिर की थी। तो कुल मिलाकर के संघ, लेकिन संघ ने उसने बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया। संघ ने ना तो सरकार को कहा कि आप ये निर्णय मत लें, ना उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच को कहा कि आप इसका विरोध न करें। तो संघ के जितने भी संगठन हैं उनसे संबंधित, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं और इंडिपेंडेंट काम के साथ साथ अब और उनका अपना काम है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, दूसरा उदाहरण, मेरी बात लंबी हो रही हो तो आप नहीं, आप इतिहास बता रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ इससे कैसे मुकर सकते हैं भाजपा के लोग कि संघ ने अगर तारीफ की है तो हम तारीफ नहीं करेंगे। देखिए ये तो भाजपा के विवेक पर और उनकी अपने राजनीतिक उद्देश्यों पर निर्भर करेगा कि वो कितना इसका लेकिन मुझे जो लग रहा है ऐसे मुद्दे अक्सर आए हैं तब भारतीय जनता पार्टी अपना रास्ता थोड़ा तटस्थता का बरतती है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा तटस्थता का रास्ता बरतेगी और बहुत संभव है आगे चल करके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए गाय के मुद्दों पर। इतनी हार्ड इतना वो विरोध कर रहे थे, वो शायद उस पर हार्ड ना करें, वो साफ होकर के काम करें। लेकिन संघ वाले भाजपा को नहीं कहेंगे कि तुम गाय के मुद्दे पे विरोध ना करो, वो नहीं कहेंगे। लेकिन मैसेज क्या चला गया? स्वाभाविक रूप से मैसेज इसका सकारात्मक गया ही है। नहीं, सकारात्मक नहीं गया, बीजेपी के सकारात्मक गया, कांग्रेस के लिए सकारात्मक गया, निश्चित रूप से नहीं, दोनों के लिए सकारात्मक, दोनों के लिए कैसे गया, बीजेपी के लिए कैसे गया सकारात्मक? भाई बीजेपी, अरे बीजेपी लगातार बता रहे हैं मनोज जी कि बोल रहे हैं गोबर को राज्य का चिन्ह घोषित कर देना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, अब ऐसे में कैसे बीजेपी के लिए सकारात्मक गया? देखिए अब ये तो आने वाले समय पर दिखेगा, लेकिन संघ ने दोनों को ही इसमें सकारात्मक संदेश जाएगा। इसमें भाजपा को चाहिए कि बाकी मुद्दों पर वो विरोध करें, लेकिन गाय और उस मुद्दे पर अगर सरकार अच्छा काम कर रही है थोड़ा सा साफ रहें। मतलब संघ आगे भी चल के जितने कांग्रेसी मुख्यमंत्री उनका किसी न किसी मुद्दे पर स्वागत कर रहे और बीजेपी वहां शांत हो जाए। देखिए वहां पर जो अच्छा काम करेगा, स्वदेशी पर जो काम करेगा, गाय पर जो काम करेगा, रंग पर जो काम करेगा, राष्ट्र संस्कृति की रक्षा का जो काम करेगा, मुझे लग रहा है कि संघ उसका खुलकर के स्वागत करेगी। और बीजेपी फिर अब बीजेपी इस मामले में अपना निर्णय खुद लेगा, बीजेपी को क्या करना। चलिए पूछ लेते हैं सच्चिदानंद जी क्या निर्णय लेंगे अब आगे। आप शर्मा जी बोल रहे हैं, शर्मा जी संघ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे। शर्मा जी ने जो संघ का इतिहास बताया और सत्यता बखान की, यही संघ है जो बात शर्मा जी कह रहे थे, वही संघ है। संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में आना पड़ेगा, संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में आना पड़ेगा। वर्तमान राजनीति को जानना है जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, हमें वर्तमान राजनीति को जानना है जो हुआ है कल का घटना, हमें संघ को नहीं जानना। राजनीति है और संघ और भारतीय जनता पार्टी का कभी वही राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने कार्यपद्धति है, अपने काम है, अपने वो है, किस प्रकार से चुनावी मैदान में आपको करना है, ये अपने काम है। ये हमारे सवालों का उत्तर रमेश जी ने दिया। शर्मा जी जिस प्रकार रमेश जी से भी मेरे सवालों का उत्तर नहीं मिला, जिस प्रकार आपसे मिल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो कल योजना प्रारंभ हुआ है, अभी तो देखिए आप लोग अभी तो वर्तमान में ये योजना प्रारंभ हुई उसकी तारीफ की है। हमारा काम है कि हमको नकेल कसना है, योजना हम ये पूछ रहे हैं कि आपने विपक्ष की भूमिका अदा करने, अरे तो हमको जनादेश विपक्ष का मिला है, सुनिए, हमको विपक्ष का जनादेश मिला है, विपक्ष का जनादेश मिला है आपको, हम इस योजना को, जिस गाय माता को लेके आप राजनीति करते रहे, अगर भूपेंद्र सरकार उसमें अच्छा काम कर रही है तो आपको इसको मुद्दा नहीं बनाना था, मुद्दे के लिए और बहुत सारे बिंदु थे। नहीं हम देखेंगे, हमने गोबर खरीदी को अच्छा ये नहीं कहा है, हमने गोबर खरीदी का ठीक कहा है, लेकिन ये योजना आगे कैसी चलती है इसको हम देखेंगे। यदि इसमें किसी तरह भ्रष्टाचार होता है,
किसी प्रकार से जनता के साथ यहाँ पर गांव में लड़ाई झगड़ा चालू होता है, योजना चालू नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार आपको देखेगी और अभी तो योजना चालू हो रही है, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की पर्याय है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है, ये निश्चित सार्वजनिक सत्य है, सार्वभौम सत्य है, उसमें कोई भी बात कांग्रेस को कहते हैं, लेकिन योजना जो उन्होंने शुरू की है उसमें तो स्वागत योग्य कह देते, संघ ने आपको नसीहत दी है, कांग्रेस को नहीं दी है। नहीं, योजना को हमने गोबर खरीदी के बारे में हमने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता न देकर आप कह रहे हैं कि हम उनको रोजगार में लगाएंगे, क्या प्रदेश का नौजवान इंजीनियर करके गोबर खरीदेगा, क्या वकालत करके गोबर खरीदेगा, जगदीश जी बार बार बोल रहे हैं क्या वो गोबर को लेकर नहीं कहा, एक बार फिर बता दीजिए, क्या बेरोजगारी का आपने 2500 रुपए उनको देकर, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है जगदीश जी, एक बार फिर बता दीजिए मनोज जी, किस किस नेता ने क्या क्या इस मुद्दे को गोबर को लेकर बयान, किसान को 6000 रुपए मिल रहा है पेंशन का, आप उसकी उतना तारीफ नहीं कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपए किसान को दिया उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आज आप उसकी बुराई कर रहे हैं इस योजना को लेकर, देखिए मुद्दा आप यदि वास्तव में किसान हितैषी है, मुद्दा गाय का है और तारीफ भी तो करिए, संघ ने अभिनंदन किया है मुख्यमंत्री जी का, ये मुद्दा है, मनोज जी फिर बता दीजिए कि इसी मुद्दे को लेकर के गोबर को लेकर के चंद्राकर जी से लेकर किसने क्या कहा बहुत संक्षेप में, देखिए चंद्राकर जी ने शुरू से ही इस पर लगातार कटाक्ष किया है और लगातार इसका कांग्रेस ने जो है विरोध भी किया कि एक गाय और गौवंश की विरोधी है, खासतौर पर उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह डाला था जिस दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी उसके दूसरे दिन ट्वीट किया था, एक तरफ छत्तीसगढ़ का जो राजकीय चिन्ह लोगो है उसको डाला था और दूसरी तरफ एक गोबर का एक जो है चित्र डाला था और कहा था कि अब लोगो बदल देना चाहिए, इसके बाद एक वीडियो डाला था जिसमें तंज कसा था सरकार पे कि अब सरकार जो है वो बेरोजगारों को जो है रोजगार भत्ता या दूसरे तरह के रोजगार और शिक्षा से दूर रख के केवल गोबर बिनवाएगी प्रदेश के युवाओं से, इस तरह की बात कही थी और लगातार इस विषय पर वो लगातार आक्रामक रहे सरकार के खिलाफ। चलिए सुरेंद्र जी, समय बहुत कम है, चलते चलते इतना आपने कहा ही नहीं कि कितना ये जो चित्र खींचा गया, फोटो खींची गई है, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, पदाधिकारी हैं भूपेश जी के साथ, इसको चुनाव में कहां कैसे उपयोग करेंगे? त्रिपाठी जी, अभी हमारे मित्र उपासना जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है, कल ही हमारे 2 मंत्रियों ने इनके 15 साल के 15 बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है और जनता को बताया है। चलिए हम तो संघ की बात कर रहे हैं साहब, वो तो ठीक है, प्रमाणित करके जेल भेजो, यदि प्रमाणित है तो हम तो खुले आम कह रहे हैं कि जेल भेजो, आपने प्रमाणित कर दिया, कांग्रेस में कौन सा भ्रष्टाचार आपने प्रमाणित कर दिया, अरे सारे तो राहुल गांधी सोनिया गांधी भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार केंद्र से भ्रष्टाचार के आधार पर केंद्र से गई है, दूसरे राज्यों से गई है, सारे नेता तो भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार में। सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, मुद्दा कहीं और मत ले जाइए, माफ करिए उपासना जी, सुरेंद्र जी आए सच्चिदानंद जी के पास भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, उपासना जी के पास आज कुछ बोलने को नहीं है, इस कारण मुद्दा भटका रहे हैं, सुरेंद्र जी आप भटक रहे हैं, बंद कर दी है और उनको चुप भी, भ्रष्टाचार की बात तो कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार की बात आप क्यों बोल रहे हैं, आप प्रमाणित बात तथ्य बात करिए ना, जबरदस्ती आप किसी को आपके 2 मंत्री आके बहस कर देते हैं, आप घर वाले के प्रश्नों को, चलिए 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 माफ करिए, हमारा समय समाप्त हो गया है, माफ करिए समय समाप्त हो गया है, उपासना जी और शर्मा जी समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, मनोज जी आपको भी। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर बीते मंगलवार को जो कुछ हुआ उसे आश्चर्यजनक घटना भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिन भूपेश बघेल के निशाने पर संघ रहती है वही संघ उनका अभिनंदन करे तो हैरानी होना स्वाभाविक है, राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए ये सहज स्वीकार करने वाली घटना नहीं है, आरएसएस इतनी सहिष्णु नहीं है कि वो एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री विशेष तौर पर भूपेश बघेल का अभिनंदन करने उनके निवास पर पहुंच जाए, जबकि ये भूपेश बघेल वही है जिन्होंने वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे संघ प्रतिमानों पर कई बार प्रहार किया है,
लेकिन उसके बाद भी संघ भूपेश बघेल का अभिनंदन करे तो ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार और खास तौर पर सीएम भूपेश बघेल के लिए बड़ी कामयाबी है और प्रदेश भाजपा के लिए मंथन करने का वक्त है। खैर छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही बीजेपी को अपनों के आघात का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा अब बात इसी मुद्दे पर। तो टीम स्वराज में जो 33 सदस्य हैं उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी इसका पता शायद कल चल जाएगा। दरअसल सीएम स्वराज ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा गुरुवार को होगा। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सरकार चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सुचारू रूप से चल रही है और जहां तक विभागों का सवाल है तो सभी विभाग मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। लेकिन विपक्ष के साथ ही राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो सीएम स्वराज की इस बात को से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी नजर में कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो विस्तार के बाद विभागों के वितरण में इतना विलंब नहीं होता। हालांकि इन सबके बीच सीएम स्वराज और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बजाय अपनों का